आजो यार आजो, कोई पूछने वाला है? थैंक यू सो मच गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल और द सेकेंडली आई थिंक ये फर्स्ट अवार्ड है, यो जो स्टार एमिनेंस का अवार्ड हो रहा है, आई थिंक है ना, इट्स अ फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टाइम ना, ये पहली बार हो? ओके हाँ भाई, अरे मालिक इधर है, मालिक ये लोग हैं और नहीं, 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 हम तो बस, हम सब आपका योगदान करने आए हैं आपके साथ, है ना, और आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छी शाम होगी, पहली शाम है तो बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी, और बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग आएंगे और हमारी जान पहचान बढ़ेगी, सो लेट्स सी, होप ऑफ द बेस्ट चल रहा है यार, जैसे कुछ फाइनल होगा तो डेफिनेटली आई टेल यू। बहुत जल्द, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द, मतलब मैंने ये चीज़ बोल दिया भाई, बस भाई ने बोल दिया तो मूवी में बहुत जल्दी होगी इंशाल्लाह। फैंस के लिए मैं बस यही कहूँगा, जैसे आपने प्यार बना के रखा है हमारे साथ, ऐसे ही प्यार बना के रखिए, अपना आशीर्वाद दे के रखिए, अपना प्यार बना के रखिए, ऐसे प्यार देते रहें एंड खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। Yes, so firstly I would like to thank Mr. Karthik Paliwal for inviting me for this beautiful and prestigious award, Star Eminence. I'm very, very excited, and obviously, you know, it's a kind of a recognition for all the hard work which you put in. So I'm very excited to be here today. Reality show? I don't much follow it, but yeah, Khatron Ke Khiladi chal raha hai abhi. Well, I already said that if I want to do a reality show, तो मैं कुछ dance reality show type करना चाहूँगा. No Big Boss. I am very much fine with my acting. Sorry? I am already in a project. So let us just get finished and after that probably I'll. Yeah, of course. They are my strength, they are everything to me, my well-wishers, the kind of love and the kind of, you know, all the attachment and the affection I get from them is just commendable, and I have no words to express that, because it's such a beautiful feeling when you get so much of appreciation from your fans and so much of hard work they put in for making your edits and, you know, making you so much of popular. So I'm very, very thankful to God and Babaji for, you know, putting me at this place, and I'm just loving it. सो ऑब्वियसली हम पूरा साल जो काम करते हैं उसका हमें यहीं पर जाके वो श्रेय मिलता है, तो ये जो अप्रिसिएशन, जो रिकग्निशन है, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ फॉर अस, सो ये उस हार्ड वर्क को अक्यूमलेट करके हमारे को रिवॉर्ड दिया जाता है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। गो वेलकम। सुपर एक्साइटेड फॉर दिस अवार्ड्स बिकॉज यू नो बहुत सारे नॉमिनेटेड होंगे एंड सबको अवार्ड्स मिलने वाले हैं, तो लेट्स सी कि आज की शाम कैसे जाती है, आई एम लाइक रेडी फॉर इट। एक्चुअली लुक बहुत रिसेंटली मैंने जल्दी रेडी किया खुद को, क्योंकि आई एम नॉट प्रिपेयर बिफोर, सो थैंक्स टू जैन फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना अच्छा आउटफिट अरेंज किया। That's right.
something big is coming soon, so stay tuned to see this. मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एंड फैंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड जो भी आज मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों की वजह से हूँ, वरना आई एम नथिंग. और यहाँ पे मेरे एक और दोस्त आ चुके हैं, भुवन बाम बूम बाम. एक्चुअली मेरे फेवरेट एक्टर यार ऋतिक रोशन, सो आई लव टू वर्क विद हिम. थैंक यू सो मच. नमस्कार सभी को, सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा पूरा नाम, बूम बाम की तरफ से. कैसे हैं आप सभी लोग? तो शायरी तो मैंने वहाँ सुनाई थी, मैंने कहा एक बार प्रॉपर कवरेज यहाँ भी दे देते हैं. तो कुछ अर्ज कर देता हूँ. कहते हैं कि कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफ़ों में कटेगी, ये जिंदगी है यारो पल पल घटेगी. पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी. उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह. खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के दिलों का, मुलाकातें ना सही आहट आती रहनी चाहिए. नाराज़ है ज़िंदगी ना नाराज़ है ज़िंदगी, जो भी है वो बस आज है ज़िंदगी. किसके ये स्टार एमिनेंस अवार्ड्स हैं, और यहाँ पर जो भी नए उभरते सितारे हैं उनको मौका दे रहे हैं हमारे मेरी जान गुप्ता साहब यहाँ पे हैं. बहुत ही आलिशान कोट पहने इन्होंने. और ये दिस इज द फर्स्ट सीजन. कौन सीजन? ये फर्स्ट सीजन. दिस इज द फर्स्ट सीजन ऑफ स्टार एमिनेंस अवार्ड्स. और महादेव से दुआ करते हैं कि ये आलिशान हो. और जैसे कि एक बीज बोया है तो बीज एक पेड़ बनेगा, तभी मज़ा आएगा. कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा, बन के शाख खिलूंगा, फिर आबाद हो जाऊंगा. हर रोज आऊंगा आपकी नज़र के सामने और एक फिर एक दिन आपकी याद हो जाऊंगा. कांग्रेचुलेशंस ब्रो, वेरी नाइस. अच्छा किया आप लोगों ने प्लान, में देख रहा हूँ. बहुत अच्छा. हाँ जी, दो दिन की मेहनत है. बताओ, दो दिन की मेहनत के पीछे बहुत सालों की तपिश होती है. और ये जो जैसे कि ये ना प्लानिंग भी नहीं था सोचा. अच्छा, प्लान भी नहीं था. दो ही दिन मिले थे और सब अपन लोग दो ही दिन में सब कुछ किया. nice. तो अब मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कोशिश कि नेक्स्ट ईयर जो भी होगा ये बहुत धमाकेदार होने वाला है. मतलब लेवल भी होंगे क्या? हाँ, तो फिर हमें डांस करने का मौका मिलेगा. भाई भाई बिल्कुल. बहुत ही अच्छे शख्स हैं, मतलब उनकी जितनी तारीफ करो उतना कम है. और वो जब भी आते थे लॉरे लॉकअप में तो एक गुरु मंत्र दे के जाते थे. और जितनी परिस्थितियाँ कठिनाइयाँ आती थी जीवन में हमारे अंदर लॉकअप के, तो अब बेटर वो हम उसको उससे खुद को सुधारते थे और टॉप फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गए. थैंक यू. प्रतीक सहजपल, मेरे जान, मेरी जान, मेरा भाई, एक नंबर बंदा है वो. महादेव के सर पे हाथ है उसके, हमेशा से उसी का सपोर्ट करता हूँ, उसी को करूँगा और किसी को नहीं करूँगा. बिग बॉस नेक्स्ट ईयर देखेंगे यार, कुछ अच्छा हुआ तो महादेव की कृपा से. बाकी मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे. कंगना रनावत जी के साथ काम करने, मूवी करना पसंद करेंगे. कुछ चीज़ें लॉकअप में उन्होंने इतना साथ दिया है, तो महादेव से दुआ करता हूँ कि मूवी मिल जाए उनके साथ तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी. मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी, बहुत जल्द मिलेगी. आपकी जो लगन होती है, जो कामना होती है, वही इंसान को लेके जाती है आगे. लॉकअप मैंने भी देखा था आपका, मतलब ज़्यादा मैं देख नहीं पाया, एक या दो बार देखा था. बहुत मस्त था और बहुत अच्छा भी लगा. अरे सुनो ना भाई, सुनो ना. हेलो, क्या कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा. आई मीन इनका पहला मूवी में, थैंक यू सो मच.
आज एक अवार्ड मिल रहा है तो खुश हूँ एंड आई विश एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट. आई थिंक इट इज द बेस्ट एक्ट्रेस ऑन OTT एंड काफ़ी सारे OTT प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. आई डोंट नो विच वन पर्टिकुलर बट आई थिंक दे हैव गिवन इट फॉर ओवरऑल जितना मेरा काम आ रहा है उसके लिए. थैंक यू. आई एम वेयरिंग समंत चौहान, आई एम वेयरिंग डोल्सन, आई एम वेयरिंग बीना रहेजा एंड ऑफकोर्स आई एम स्टाइल्ड बाई देव की एज यूजल. अभी तो आया है सॉल्ट सिटी सोनी लिव पे. यस देयर इज अ लॉट मोर कमिंग. बहुत कुछ आ रहा है अभी इस वक्त. बहुत आ रहा है लेकिन अभी बता दूंगी. कॉन्ट्रैक्ट वाले पकड़ के मारेंगे. थैंक यू. फैंस के लिए हमेशा प्यार 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 प्यार. थैंक यू. Experience, it's good enough. Let's see how it goes. It's a great event and I'm again honored with an award. The category is really nice, the best avatar. So looking forward for the evening. Let's see how well it goes. Look ke bare mein simple beige hai, so I matlab har baar ki tarah aap dekhenge to I'm a very subtle color choice person. Agar colors hai to black, grey, beige, white, blue. That's where my choice is. So it's a simple but a nicely tailored suit for me. नहीं अभी ऐसे तो मतलब किसी के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा. बट आई एम वेटिंग कि कौन कैसा परफॉर्म करे फिर उस बारे में ज़्यादा बात करूँ ज़्यादा बेहतर. बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस बहुत अच्छा रियलिटी शो है बट आई थिंक नॉट माय टाइप. सो मैं आई एम नॉट अ बिग बॉस पर्सन. थैंक यू. इधर
Hello everybody. अवार्ड्स की नाइट है तो एंटरटेनमेंट डेफिनेटली लिखा हुआ है और अच्छी बात ये है कि सेलिब्रिटीज़ और कॉमन मैन दोनों को साथ में लाया जा रहा है इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है. वैसे तो ये फासले होते नहीं है कभी, पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बनाते हैं या ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि कॉमन मैन और सेलिब्रिटीज़ में बहुत फासले हैं. आई डोंट थिंक सो. वी आर मेकअप निकाल दो, ये पूरा अवतार निकाल दो तो हम भी कॉमन ही हैं. You have a good time at the end of the day, and I would just like to congratulate to all the winners. And because मुझे तो कोई award नहीं मिल रहा है, तो definitely attend करने आई हूँ और मजे करूँगी. Look के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आज? Thank you. हाँ. Thank you so much. ये कल की collection का outfit है, Rumi. It's by Rumi, and yeah, thankfully it fit me right and. Yeah, it is suiting my body. Mystery of tattoo है और कुछ projects है जिसकी बातें चल रही है अभी, तो concrete कुछ है नहीं तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी. Hopefully अगली बारी आपसे जब मिलूँगी तो शायद कुछ होगा मेरे पास बात करने के लिए. अच्छे रहो, खुश रहो, वो बहुत important है. और अच्छा करो. Thank you so much. Thank you. इधर से जाना, इधर से जाना, कहाँ से जाना? इधर आ जाओ ना.